जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, एनम जेनम भर्ती 2013 के शेष रहे 11,233 पदों को भर्ती को लेकर आज नरेंद्र जी बुडानिया जो विधायक हैं तारानगर से उनसे वार्ता हुई। नरेंद्र जी ने दोस्तों सकारात्मक आश्वासन दिया है कि आपकी भर्ती 100% होगी। सीएम साहब से बात हो चुकी है, आप 3 मार्च को अपना डेलीगेशन जिसमें 3 से 4 जने लेके आप जयपुर आ जाना, मैं सीएम साहब से आपकी मीटिंग करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी बुडानिया को जो अपनी भर्ती को लेकर सकारात्मक है। और दोस्तों, उन्होंने सीएम साहब से बात करवाने की भी यहाँ पे बात कही है कि जयपुर आप 3 मार्च को आ जाना, 4 से 5 जने अपने डेलीगेशन के साथ आपकी मीटिंग सीएम साहब से आयोजित करवा दी जाएगी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आपने अपने को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अपनी भर्ती का नाम बजट में नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं, सीएम साहब ने बताया था कि जो 34,682 पदों पर नियुक्तियां यहाँ पे अपने कार्यकाल में जारी कर दी और 82,000 जो नियुक्तियां हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अपनी भर्ती भी इसी में शामिल है, 82,000 में। तो दोस्तों, क्योंकि प्रक्रियाधीन भर्तियों का बजट में लिखा है कि 82,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, तो आपको घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अपने को थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अपनी भर्ती है जो 100% होगी। और दोस्तों, जो आगामी रणनीति है कि कैसे क्या किया जाएगा, जयपुर का घेराव कैसे क्या किया जाएगा, वो जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, मैं बता दूं, आज नरेंद्र जी बुडानिया जो तारानगर से विधायक हैं, एमएलए हैं, उनसे वार्ता हुई एनम जीएनएम भर्ती को लेकर। इसके अलावा उन्होंने साथ ही दोस्तों सकारात्मक आश्वासन दिया कि आप 3 मार्च को अपने डेलीगेशन के साथ जयपुर आ जाना, आपकी मीटिंग सीएम साहब अशोक सिंह गहलोत से करवा दी जाएगी। दोस्तों, आपको चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीएम साहब ने कल बजट घोषणा में कहा था कि लगभग 34,682 नई नियुक्तियां दी जा चुकी है एवं 82,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। राज्य के विभिन्न विभागों में आने वाले वर्ष में इस प्रकार से भर्तियां की जाएगी। जैसा 53,000 भर्तियों के बारे में बताया, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में 4,369 पोस्ट बताई है। तो दोस्तों, जो 4,369 पोस्ट हैं, इसमें विभिन्न पोस्ट हैं, जैसे डॉक्टर की भी भर्ती है, एनएम जीएनएम की भी भर्ती है, फार्मासिस्ट की भी भर्ती है, लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती है। लेकिन कौन कौन से पोस्ट पे कितने कितने यहाँ पे पोस्ट निकाली जाएगी वो आगे की बात है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, अपनी जो भर्ती है वर्ष 2013 की है, 11,233 पद इसके सर्जित कर दिए गए हैं माननीय सीएम साहब द्वारा, और ये भर्ती जल्द ही संपन्न होगी संपूर्ण पदों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय विधायक तारानगर से नरेंद्र जी बुडानिया से वार्ता हुई, जिसमें इन्होंने 100% सकारात्मक आश्वासन दिया भर्ती को लेकर, और साथ ही कहा कि सीएम साहब से मैंने बात कर ली है, आप 3 मार्च को अपना एक डेलीगेशन लेकर जयपुर आ जाना, सीएम साहब से मीटिंग का आपका आयोजन करवा दिया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।